नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और उसे आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हो, वो भी ऑनलाइन बिना बैंक जाए, तो किस प्रकार से कर सकते हो, उसी के ऊपर इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप अपने खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाओगे, वो भी बिना बैंक जाए। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपसे कुछ गलती हो सकती है अपने खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर करने में। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखनी है। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और गवर्नमेंट योजना के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। साथ ही अगर आपको हमसे कोई सवाल करना है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, वहां पर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, इसलिए जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी किसी रीजन के कारण हमें अपना शहर बदलना पड़ जाता है। अगर जैसे कि हमारी जॉब होती है तो हमारे जॉब में ट्रांसफर हो जाता है, तो जिस वजह से हमें अपना शहर बदलना पड़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि अपनी सुविधा के लिए हम अपना अकाउंट भी उसी प्रेजेंट एड्रेस की ब्रांच में ही ट्रांसफर करा लें। तो दोस्तों उसके लिए हमें अपना खाता जो है हम ट्रांसफर कराने की सोचते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर हमारा पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो हम उसे किस प्रकार बिना बैंक जाए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑनलाइन किस प्रकार से उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे वो भी बिना बैंक जाए, तो दोस्तों उसी का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए शर्त एक है कि आपके पास नेट बैंकिंग का एक्टिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों बिना नेट बैंकिंग के आप अपने खाते को ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, फिर तो उसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जहाँ पर आपका खाता है वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ जाकर आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, फॉर्म फिल करने होंगे, उसके बेस पर ही आप अपना खाता ट्रांसफ़र कर पाओगे। लेकिन अगर आप बिना बैंक जाए अपने घर बैठे ही करना चाहते हो तो उसके लिए नेट बैंकिंग का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कर रखी है आपने नेट बैंकिंग एक्टिवेट, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देख कर आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के समझते हैं कि आप अपने पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट को किस प्रकार से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर पाओगे, वो भी ऑनलाइन। तो दोस्तों बढ़ते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हमें आ जाना है पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, आपको भी इस लिंक को ओपन कर लेना है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वरना आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो पीएनबी। जैसे आप पीएनबी डालोगे तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर आ जाएगी पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों यहाँ पर ये जैसे ही ओपन हो रही है इसका कुछ इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज जो है वो ओपन हो गया है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा इंटरनेट बैंकिंग। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके लिए हमें इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले अपनी इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर दो तरीके की इंटरनेट बैंकिंग आ जाती है, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। तो मुझे अपनी रिटेल इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ पर मेरी यूजर आईडी मांग रहा है तो मैं अपनी यूजर आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यूजर आईडी डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो एक मुझे नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर ये सबसे पहले क्या मांग रहा है, पासवर्ड, और ऊपर मेरी यूजर आईडी यहाँ पर शो हो गई है, तो मुझे अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, साइन इन पासवर्ड। तो मैं अपना पासवर्ड डालकर इसमें लॉग इन हो जाता हूँ। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है इस बॉक्स में। जो ये कैप्चा कोड लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है। अगर ये आपको कैप्चा कोड समझ में ना आए तो आप रिफ्रेश का बटन दबाकर इसे दोबारा से यहाँ पर दूसरा कैप्चा कोड ला सकते हो। दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पॉपअप मैसेज आएगा, इसे ओके कर देना है। मैं लॉगिन हो गया हूँ अपनी इंटरनेट बैंकिंग में। उसके बाद यहाँ पर कुछ सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे आपको, तो मुझे अदर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक चेंज होम ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर क्या करना है मुझे, अकाउंट आईडी, तो मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, मेरा एक ही अकाउंट है पीएनबी में, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, आपकी ब्रांच आईडी शो हो जाएगी और आपकी जो ब्रांच एड्रेस है करंट एड्रेस वो शो हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है उस ब्रांच की आईडी यहाँ पर डालनी होगी, लेकिन आपको आईडी पता नहीं होगी तो इसलिए आप लुकअप पर क्लिक करके
आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप लुकअप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, इन तीनों नेम से आप सर्च कर सकते हो जिस ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ट्रांसफर कराना है। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्रांच नेम से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जो मेरे सिटी में जितनी भी ब्रांच है वो सारी शो हो जाएंगी, उसके हिसाब से मुझे जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना ब्रांच नेम यहाँ पर डाल लेता हूँ। दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी वो कर सकते हो सर्च, और अपनी ब्रांच नेम के द्वारा भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी जो है तीन ब्रांच यहाँ पर शो हो गई है, जो भी मेरे सिटी में ब्रांचेस आती है। तो उसके बाद मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस ब्रांच में मुझे ट्रांसफ़र कराना है। आपको उस वाले पर ये ब्लू कलर का जिस तरीके से डॉट आ रहा है, ये रेडियो बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे। तो मुझे ये वाली सेलेक्ट करनी है सबसे ऊपर वाली, तो मैं सबसे पहले इस पर सेलेक्ट करके सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर मेरी खुद ही रिडायरेक्ट हो जाएगी ब्रांच आईडी। उसके बाद मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरी सारी डिटेल शो हो रही है, अकाउंट नंबर और किस ब्रांच में मुझे ट्रांसफर करना है अकाउंट, वो भी डिटेल यहाँ शो हो रही है। उसके बाद नीचे कंफर्म डिटेल करने के लिए मुझे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा अपना। तो आपको भी यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है, उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, योर रिक्वेस्ट इज सबमिट सक्सेसफुली, द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन 24 घंटे, मतलब 24 आवर्स में आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि इस समय अंतराल में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई अपने खाते में लेन देन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको, वरना आपका प्रोसेसिंग फेल हो जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। आपको ना तो पैसे निकालने हैं ना ही डालने हैं अपने इस 24 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस आईडी आ रही है आपकी, इस रेफरेंस आईडी को आपको क्लिक करके रख लेना है। तो मैं अपना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और नीचे आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी, अकाउंट नंबर, जिस ब्रांच से आपकी जो अभी है ब्रांच करंट में वो दिखा देगा, जिस ब्रांच में हमने ट्रांसफ़र किया है वो दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना अकाउंट घर बैठे ही ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑनलाइन पंजाब नेशनल बैंक का। दोस्तों जो 24 घंटे के बाद का प्रोसेस होगा कि मुझे क्या क्या प्रोसेस इसके बाद करना पड़ा है, वो मैं आपको एक नई वीडियो में बता दूंगा, या फिर मैं अपना एक कमेंट पिन करके अपने इस वीडियो के नीचे उसमें लिख दूंगा कि मुझे इसके बाद क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा कि जिससे मुझे कंप्लीटली मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।